हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? और इस साल का आखिरी दिन है, लोग न्यू ईयर को एक खुशियाँ मनाते हैं, खुश होते हैं कि नया साल आ गया। अरे नहीं, नया साल तो आया है लेकिन आपकी ज़िंदगी से भी एक साल कम हो गया, और बीते साल पता नहीं अपने साथ साथ वो क्या ले गया। कुछ लोगों को एहसास है, कुछ तो एहसास ही नहीं है। जो न्यू ईयर बनाते हैं उन्हें एहसास कहाँ है कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया है और आगे आने वाला टाइम कैसा है। इसलिए जब सबसे पहले सुबह उठें तो ब्लेसिंग दें, अपने आप को ब्लेसिंग दें, अपने मिलने वालों को ब्लेसिंग दें कि ये साल जा रहा है और इस साल में हमारी आँख, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा शरीर, सब कुछ ऊपर वाले ने अच्छा रखा है। तो सबसे पहले अपने को ब्लेसिंग दें कि हमने जो कुछ किया है अच्छा किया है। लास्ट डे है इस साल, ये साल तो जा रहा है ना। पिछले साल तो मैंने अपने हाथों से बेटी विदा की थी 2022-21 में, वो एक खुशी थी, थोड़ा सा दुख था तो खुशी ज़्यादा थी कि अपने घर चली गई ये। लेकिन ये साल 2022 मेरी माँ को लेके चला गया। पता नहीं क्यों, मैं उनसे सालों सालों नहीं मिलती थी, लेकिन आज वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर मैं, लेकिन मैं जब चाहती थी तो मैं उनसे मिल लेती थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब उनसे मिल, लगता क्या है, ये सच्चाई है कि मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगी। तो ये 2022 कितनों का कुछ लेके गया है। आज आखिरी दिन है, लोग खुशियाँ मनाएंगे, लोग पटाखे छोड़ेंगे, लेकिन नहीं। अरे यार दोस्तों, तुम्हारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया है। जब कल सुबह की शुरुआत करना तो एक पूजा के साथ, एक अच्छी दुआ के साथ कि हे प्रभु, हे भगवान, हे अल्लाह, हे जीजस, जैसे सबको दिया है, जैसे मुझे इस दिया है, ऐसे सबको देना, यही दुआ करना। और एक पूजा के साथ मोमडन सुबह 5 बजे की नमाज के साथ, हिंदू अर्ली मॉर्निंग सुबह पूजा के साथ, वाहेगुरु गुरुद्वारे के साथ, वाहेगुरु गुरुद्वारे में वाहेगुरु के साथ, और चर्च में जीजस के साथ कल पहली सुबह की पूजा के साथ आप पहले दिन की शुरुआत करना कि ये साल जाते हुए साल में लोगों ने पता नहीं क्या क्या मांगा। मैं मांग रही हूँ और मैं मांगूंगी कि सब कुछ सबके साथ बहुत अच्छा रहे। देखिए, सुबह की सुंदरता का मज़ा वही लेता है जो सुबह उठता है। सुबह उठने वाला ही सुबह का आनंद ले पाता है। नेचर की देन, जो नेचुरल देन है, जो प्राकृतिक की देन है, वो सुबह उठने वाला ही ले सकता है सुबह का मज़ा। इसलिए दिनचर्या में अर्ली मॉर्निंग का मज़ा लीजिए। तो कल सुबह अच्छा सब, देखिए आज की रात भी पता नहीं कितने लोग सो जाएंगे हमेशा के लिए, जो सुबह नहीं उठ पाएंगे। पेपर पढ़ती हूँ, कितने रोज़ ऐसे मैसेज आते हैं इसमें, कितने रोज़ लोग कितने लोगों का हमने सुन लिया, कितने आज सोते रह जाएंगे, कितने सुबह, कल की सुबह 1 जनवरी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए दुआ करके सोना, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, जब सुबह को उठना ऊपर वाले से तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बातें यार प्रवचन नहीं, मेरे दिल में जो है वो मैं कह देती हूँ। और एक बात, जिसका जहाँ दाना होता है ना, जिसका जहाँ खाना होता है, वो वहाँ खाने पहुँच जाता है। अंदाज लगाइए, आपको एहसास भी नहीं होता, और वो खाना खाने वहाँ, दाना अपना लेने वहाँ पहुँच जाता है। कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई आज कह दे कि हमारे यहाँ वो आए थे, आज हमने उनके लिए खाना बनाया, उन्हें खाना खिलाया, नहीं, उनका दाना यहाँ था इसलिए वो यहाँ आ गए। जो वक्त पर जागता है ना, वही सुबह का आनंद लेता है। इसलिए वक्त पर जागिए, आप वक्त पर जागने की कोशिश कीजिए, एक आदत डालिए। एक अपने लिए जो मांगा है वो दूसरे के लिए भी मांगिए। दो अपनी माँ के लिए, मैं तो एक बात ही कहूँगी, ना गीला किया ना खफा हुए।
ना गिला किया ना खफा हुए, यूं ही रास्ते से जुदा हुए, यूं ही रास्ते से जुदा हुए। पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की माता जी खत्म हो गई हैं, 100 साल की थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुबह 3:30 बजे वो ख़त्म हुई है, दिसंबर का महीना। मेरी माँ 1 दिसंबर सुबह 3:30 बजे ख़त्म हुई, दिसंबर का महीना। इसलिए आत्मा को शांति दे भगवान उनकी। देखिए, उन्होंने एक अच्छा इंसान दुनिया के लिए दिया, बहुत बड़ी बात है। लोग जैसा मानते हैं, मैं ये अपनी बात नहीं कह रही, जैसा लोग मानते हैं, है ना। तो उनके देखिए, जो दुनिया में ये तो फैक्ट है, जो आया है वो जाएगा ज़रूर, ये तो पक्का है। लोग शमशान की तरफ जाने से डरते हैं, नहीं, ये तो आपकी एक असली जगह है, वहाँ तो इंसान को पहुँचना ही है। तो एक आत्मा को शांति करने से किसी का कुछ नहीं जाता, ये तो एक आखिरी दुआ होती है एक इंसान के लिए, उसके बाद आप उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूब जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। सही बात है, कहाँ किसी को कोई याद रहता है। वक्त के साथ सब आगे बढ़ जाते हैं और पीछे से बहुत कुछ छूट जाता है। और एक बात बताएं, आज मैं ये एहसास करती हूँ कि जब चुप रहना सीख जाते हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं चुप रहना सीख गई हूँ, या कोई भी लोग चुप रहना सीख, जो कम बोलते हैं या चुप रहते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ चुप रहना सीख जाते हैं कितना अच्छा होता है। काश हम पहले क्यों नहीं चुप रहना सीखे, जो रिश्ते हमसे जुदा हुए हैं, जो रिश्ते हमसे दूर चले गए हैं, शायद वो रिश्ते ना जाते अगर हम शायद चुप रहते। लेकिन ये भी कहती हूँ, मैच्योरिटी एक उम्र से आती है, यूँ ही बच्चा थोड़ी मैच्योर हो जाता है। इसलिए शायद ये सोच के हम अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं कि हम उस टाइम मैच्योर नहीं थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल को आप एक वीडियो के साथ। मैं नहीं कहूँगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। ओके, बाय।